तो फाइनली वीडियो में बात करना निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या लेवल होने वाला है भाई, ये सारी चीज़ें मैं देखिए हमेशा बताता रहता हूँ, पूरा ध्यान देखना, लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए मैंने यहाँ पर सारा लेवल मैं लिख दिया हूँ, ठीक है, ये आपके लिए यहाँ पर एक स्पेशली समझिए मैंने लेवल लिख दिया है, समझिए मार्केट का। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, ठीक है, 19,440 का रेजिस्टेंस है, और सबसे सपोर्ट जो यहाँ पर देख रहे हैं 19,340 है, ठीक है। मतलब मार्केट यहाँ पर देखेंगे सपोर्ट लेकर के मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, मतलब मार्केट यहाँ पर ओपन होकर के नीचे आया, यहीं पर समझिए सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर, फिर सेकंड टाइम मार्केट यहीं पे आकर के फिर यहाँ से ऊपर मार्केट चला गया है, ठीक है। एक छोटा सा यहाँ पे हर्डल है, लेकिन इसके ऊपर देखेंगे मार्केट अगर यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनाती है फिर मार्केट क्या होगा, रिवर्स आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर रिवर्स आएगा, फिर यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैंडल बनाएगा फिर मार्केट यहाँ से ऊपर अगर इसको ब्रेक कर देती है 5 मिनट कैंडल तो फिर ये टारगेट मिलेगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बनाएगा तो फिर बाई कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे अगर ब्रेक डाउन आता है नीचे साइड फिर ये टारगेट आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए जो लेवल होते हैं लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर इसमें ब्रेकआउट मिलेगा 5 मिनट कैंडल का यहाँ पे, ठीक है, कोई भी अगर अच्छा कैंडल यहाँ पे 5 मिनट का ब्रेकआउट कर देता है उसी कैंडल पे आप एंट्री बनाएंगे, उसी कैंडल नीचे स्टॉप रखेंगे और आपको टारगेट समझिए इसके ऊपर का ये देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर ये टारगेट आपको मिल जाएगा देखने के लिए, समझिए 1:1 1:2 में अगर जाएंगे तो आपको ये टारगेट पूरा दिखते हुआ यहाँ पर मिलेगा। लेकिन काफ़ी अच्छा समझिए मार्केट आज क्या हुआ, पूरा डेंस समझिए डे में आज पूरा क्या है, बस मार्केट समझिए कि थोड़ा स्लो मोमेंट में था, लेकिन लास्ट में समझिए जो लोग ट्रेंड लाइन पे काम करते हैं भाई उनके मजे अलग हुए होंगे। यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, सीधा ब्रेक दे यहाँ पे देखेंगे मार्केट ने सीधा ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया है यहाँ पे, और ब्रेक करने के बाद देखेंगे तो मार्केट क्या है सीधा यहाँ से ऊपर तरफ गया है, इतना टारगेट आपको देखने यहाँ मिला है, ठीक है। यहाँ पर तो समझिए ऑप्शन बायर का भाई वाट लगी होगी, यहाँ पर पैसा कोई बनाया नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए मार्केट क्या है एकदम रेंज में, रेंज में कभी पैसा बनता नहीं, पैसा जब बनाने की बात आती है मैं हमेशा बोलता हूँ मोमेंटम, ठीक है, ये मोमेंटम इंपॉर्टेंट है, जो इस यहाँ पर देख करके सपोर्ट यहाँ पर अगर बाई कर लिया होगा भाई कैंडल देख करके, ठीक है, कैंडल पे एंट्री अगर बना होंगे तब पर भी उनको अच्छा पैसा यहाँ पर बना होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होगी। देखिए अब बात करते हैं कल के दिन कौन से यहाँ पे ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है उसकी बारे में बात करते हैं कि ट्रेंड लाइन कौन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ट्रेंड लाइन मैं आपको ड्रॉ कर दिखा देता हूँ, देखिए ट्रेंड लाइन ये, ठीक है, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन आप ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये ट्रेंड लाइन एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन कल के दिन होने वाला है, बस ऐसे ड्रॉ करके आप इसको रखेंगे, एक ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे और एक ट्रेंड लाइन आप और ड्रॉ करेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे उसके बारे में बता देते हैं। देखिए एक ट्रेंड लाइन आप ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये ऐसे करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ये दो ट्रेंड लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऊपर का लेवल समझिए यहाँ पर क्या होगा, अगर इसे मार्केट यहाँ पर समझिए जो आपको दिया गया है लेवल, अगर लेवल ब्रेक करती है फिर ऊपर निकल जाएगा, अगर मार्केट आके नीचे यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बनाएगा फिर आप बाई कर लेंगे, अगर इसको ब्रेक करता है सीधी सी बात समझिए जो नीचे का लेवल आपको दिया गया है वो सारे लेवल मार्केट दिखा सकती है। देखिए लेवल हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको बनाना समझना हर चीज़, और देखिए मार्केट में ना काम हर चीज़ करता है, मैं हमेशा बोलता हूँ प्राइसन वगैरह अगर आप काम करेंगे तो बढ़िया काम करता है। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा एम पैटर्न बना हुआ है, उसका भी टारगेट आया है, लेकिन मार्केट क्या है एकदम अगर यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ कर दिया होगा भाई, देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर जाके नीचे, फिर यहाँ पर मार्केट नीचे, फिर यहाँ पर देखेंगे मार्केट थोड़ा टाइम तक कंसोलिडेट किया है, फिर उसके बाद मार्केट यहाँ पर जाएंगे। हमेशा समझिए क्या हुआ है यहाँ पर कि ट्रेंड लाइन के नीचे, मतलब मार्केट हमेशा क्या है डाउन ट्रेंड में ही थी, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट करके मार्केट ने अपना ट्रेंड यहाँ पे डिसाइड किया है। अब देखना यह है कि कल के दिन मार्केट कहाँ ओपन होता है, किस तरीके से कामकाज करता है, लेकिन जो आपको लेवल दिया गया है वो सारा लेवल आप ध्यान से देखेंगे। चलिए भैया बात करते हैं बैंक निफ्टी, देखिए बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर मैंने सारा का सारा लेवल बना करके रखा हुआ। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग ध्यान दिया करिए, यहाँ पर देखिए मार्केट का बहुत बड़ा सपोर्ट है, देखिए 45,180 अगर मार्केट ब्रेक करती है तो तुरंत आपको समझिए ये टारगेट देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर, अगर इसके नीचे आती है भाई समझिए फिर बड़ा टारगेट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, बड़ा मतलब 44,900 का टारगेट यहाँ पे पेंडिंग में है, अगर नीचे आती है फिर यहाँ पे समझिए कि अच्छा खासा आपको टारगेट यहाँ देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बाद यहाँ पर मार्केट देखिए क्या हुआ है, यहाँ से मार्केट सपोर्ट लगे फिर यहाँ पे ऊपर, अगर यहाँ पे निगेटिव कैंडल बनाएगा मार्केट फिर आप सेल कर देंगे, तुरंत यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आता हुआ मार्केट दिखेगा और यहाँ पैसा बनेगा। अगर इसको ब्रेक करता है फिर ऊपर का ये टारगेट, अगर इसको ब्रेक करता है फिर ऊपर का ये टारगेट। अब ब्रेक करने का मतलब क्या है, देखिए जैसे मतलब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करता है कोई भी कैंडल अच्छा कैंडल होना चाहिए, ठीक है, डोजी वगैरह नहीं होना, अच्छा कैंडल मतलब क्या हो गया, अच्छा कैंडल मतलब जैसे कि कैंडल मजबूत, जैसे ये समझिए ये कैंडल है यहाँ पर, ऐसे कैंडल अगर आपको दिखेंगी अगर ब्रेकआउट के टाइम पर ये सारे कैंडल जो है तो समझिए कि ब्रेकआउट होगा, जैसे यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट यहाँ पे हो चुका है, वैसे अगर ब्रेकआउट यहाँ पे होती है फिर उसी कैंडल पे आप एंट्री बनाएंगे, उसके नीचे स्टॉप रख करके आप 1:1 1:2 के लिए आराम जा सकते हैं, बाकी जो ऊपर टारगेट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ये सारे लेवल आप ड्रॉ कर देंगे अपने चार्ट पर। चलिए हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर ट्रेंड लाइन की बात करते हैं भाई, तो ट्रेंड लाइन आप यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड लाइन ऐसे करके मार्केट अभी क्या हुआ है, अभी बैंक निफ्टी ने इसको ब्रेक नहीं किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आपको क्लियरली एक चीज़ दिखेगा कि बैंक निफ्टी यहाँ पर नीचे ही है, मतलब ट्रेंड लाइन के नीचे ही है, यहाँ से अगर ट्रेंड ब्रेक कर देती है एक कैंडल समझिए यहाँ पे ब्रेक कर देता है भाई तो समझिए क्या होगा, फिर आप यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, फिर आपको जो टारगेट दिया गया है वो सारा टारगेट आपको देखने के लिए मिलेगा ऊपर साइड में, ठीक है, यहाँ पे हो गया। तो ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट, देखिए कल के दिन में कौन सा होने वाला है, यहाँ पे
एक ट्रेन लाइन को ड्रॉ ऐसे ही कर देंगे भाई, ये वाला ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर देंगे, फिर एक ट्रेन लाइन देखिए ड्रॉ करना, फिर ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर देंगे ताकि मार्केट इसके ऊपर में है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट तो है ही, यहीं सपोर्ट के पास में आप ट्रेन लाइन ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे, आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ मार्केट इसके ऊपर में है। अगर यहाँ से निकलता है फिर आपको ये सब टारगेट देखने को मिलेगा, अगर इसको ब्रेक करता है फिर आपको नीचे का जो टारगेट दिया गया है वो सारा टारगेट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट देखिए जो ट्रेंड होता है ना, ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसको सोच समझ करके काम करना चाहिए, इसलिए ट्रेंड लाइन बहुत ज़रूरी होता है। अब ऐसे ड्रॉ करके रखेंगे ऑटोमेटिक ब्रेक कर देगा, तो यहाँ पे आप एंट्री बना लेंगे, पैसा बन जाएगा। ये सारी चीज़ें देखिए जब आप करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक कर दिए, फिर मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।